Assalamu alaikum, class 5 students. Please open your book, page number 5. Today I will start from unit 1, number and arithmetic operation. Arithmetic operation हम plus, minus, multiply, divide को operations को कहते हैं. Now let's start from exercise 1.1. Question 1 is write the following number in words. इन numbers को हमने वर्ड्स में मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखना है. इसके लिए मैं सबसे पहले नंबर्स को थोड़ी सी स्पेस दे के लिख रही हूँ. उसकी वजह यह है कि मैंने इनकी पोजीशंस लिखनी है कि ये नंबर किस पोजीशन पे है, या इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं. टू की पोजीशन 1 है, 6 की पोजीशन 10 है, 3 की पोजीशन 100 है, 2 की पोजीशन 1000 है, 7 की पोजीशन 10000 है, 2 की पोजीशन 100000 है, इस 2 की पोजीशन मिलियन है और 5 की पोजीशन 10 मिलियन है. अब हमने ऊपर लिख लिया, अब हम इसको आसानी से नीचे लिख सकते हैं. इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने स्टार्ट करना है लिखना है तो आपने अपनी राइट साइड से नहीं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर देखें 52 है, 2 के आगे हमें कॉमा नज़र आ रहा है, इसके आगे हमने नहीं पढ़ना है. सबसे पहले हम 52 को रीड आउट करेंगे और देखें 2 हमारा मिलियंस पोजीशन पे, ये 2 है और ऊपर उसके मैंने मिलियन लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 52 मिलियन. उसके बाद कॉमा है क्वेश्चन में, हम यहाँ पर भी नीचे कॉमा लिखेंगे. उसके बाद हम अगला नेक्स्ट रीड आउट करेंगे 272. अब 2 देखें, 2 हमारा 1000 पोजीशन पे है, तो 272000. फिर कॉमा है, हम आंसर में भी कॉमा राइट करेंगे. फिर हमारा है 362, हम लिखेंगे 362. इस तरह हमारा ये कन्वर्ट हो गया है नंबर से इंग्लिश में. इसी तरह अब आप क्वेश्चन 2 देखें, क्वेश्चन 2 भी सेम एज इट इज़. इसी तरह मैंने इसको भी स्पेस दे के लिख लिया. अब इनकी भी प्लेस वैल्यू लिखें आप. 2 की 1 है, 1 की 10 है, 5 की 100 है, 6 की 1000 है, 1 की 10000 है, 1 की 100000 है, 3 की मिलियन है, 2 की 10 मिलियन है और 7 की 100 मिलियन है. अब इस क्वेश्चन में 1 में और 2 में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आया, मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस नज़र आया होगा. इसमें हमने 10 मिलियन तक किया था, यहाँ पर हमारी एक वैल्यू ज़्यादा है 100 मिलियन. तो हम यहाँ से इस आंसर को भी हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. 723, हम 3 से आगे रीड आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है हमने कॉमे से आगे नहीं जाना, हमने कॉमे तक ही रीड आउट करके उसको सबसे पहले लिखना है. 723 मिलियन कॉमा, आगे रीड आउट करें 116, 6 देके अब हमारा 1000 पोजीशन पे है, तो 116000 लिखेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट रीड आउट करेंगे 512, तो हम इसको लिख लेंगे 512. मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. मैंने आपके लिए 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया, आपने 3, 4, 5, 6 खुद करने हैं सॉल्व और अपने पेरेंट्स को चेक करवाने हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.